Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइस ये को पता है स्टेफनी मैकमैन जो WWE के मालिक साहब विंस मैकमैन के बेटे हैं गाइस, वो WWE में एक बहुत ही बड़ी पोजीशन में काम करती है बहुत सालों से। और ये को पता है स्टेफनी मैकमैन बहुत चीज़ें हैंडल करती है WWE के। और स्टेफनी मैकमैन रिसेंटली एक इंटरव्यू में थी, तभी उनसे पूछा कि ये साल के SummerSlam 2022 गेम में क्या आप रेसल करने वाला हो। तो स्टेफनी मैकमैन ने बोला कि तभी रोंडा रॉज ने उनका आर्म ब्रोक किया, तब से उनके बॉडी बहुत वीक हो गए हैं। और स्टेफनी मैकमैन पहले से ही दो बच्चों की माँ है, उन्होंने ये भी चीज़ मैंशन किया। उन्होंने ये भी बोला कि अभी फिलहाल उनकी बॉडी टायर नहीं है मैच रेसल करने के लिए, तो अभी फिलहाल वो SummerSlam 2021 के इवेंट के लिए तो कोई रेसल नहीं करने वाली। गाइस स्टेफनी मैकमैन ने यही चीज़ पे उनकी बात एंड नहीं की, गाइस उन्होंने हमको ये भी बोला कि ये सब जो SummerSlam 2021 का इवेंट होने वाला है गाइस, वो बहुत ही बड़े बड़े धमाके से होने वाला है। आपको पता है कि SummerSlam का जो इवेंट है गाइस, वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। आपको पता है इसमें हमको बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी रिटर्न कर देने वाले हैं। और गाइस हमको जिस स्टेडियम में SummerSlam 2021 का इवेंट देखने वाला है गाइस, उसमें 60,000+ लाइव ऑडियंस होने वाला है। आपको पता है ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हमको WWE में दिखे ही नहीं है लाइव ऑडियंस, वो भी फुल स्केल में। WrestleMania एक ही इवेंट था जहाँ पे हमको लाइव ऑडियंस दिखी थी, बाकी वो छोड़ के हमको 1.5 ईयर WWE में एक भी इवेंट में फैंस दिखे नहीं है। लेकिन मैं तो पता है मनी इन द बैंक से हमको WWE में रेगुलर फैंस दिखने वाले हैं। ये सब देखिए WWE ने प्लान किया कि SummerSlam के लिए वो बहुत ही बड़ी ऑडियंस लाने वाली है। और अगर ऑडियंस बड़ी लाने तो उनको लगेगा बड़े बड़े स्टार्स। और स्टेफनी मैकमैन ने यही बात मेंशन किया कि ये सब जो SummerSlam का इवेंट होने लगा है उसमें बहुत ही धमाके सरप्राइजेस और रिटर्न होने वाले हैं। वैसे रिटर्न मतलब बड़े बड़े स्टार्स जैसे ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, स्टेफ बेकी लिंच, एज जैसे बड़े बड़े स्टार्स को रिटर्न करते दिख सकते हैं गाइस, ऐसा स्टेफनी मैकमैन ने बोला। और हमको पॉसिबली ये इवेंट ये साल का सबसे बड़ा इवेंट भी होते हुए दिख सकता है, ऐसा स्टेफनी मैकमैन ने हिंट किया है हमको उनके रीसेंट इंटरव्यू में। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।